जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ कि जितने भी मेरे छोटे भाई जो तैयारी कर रहे हैं फोर्स की, या आर्मी की, BSF, CRPF, ITBP या किसी भी फोर्स की तैयारी, या पुलिस की, या वो फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उनको कौन सी डाइट को फॉलो करना चाहिए अगर वो फोर्स में लगना चाहते हैं। अगर उनको अपनी दौड़ में प्रोग्रेस चाहिए, अपने शरीर मतलब वेल्थ नहीं हो रहा, कईयों का बहुत पतला है, कईयों का बहुत मोटा है, तो उनके लिए उनको कौन सा डाइट प्लान यूज़ करना चाहिए, या कोई भी फोर्स का मेंबर है उनका डाइट प्लान क्या रहता है। तो आप दो चीज़ होती है, देखो डाइट प्लान एक होती है पहलवान के लिए, तो जो आप डाइट प्लान आप बार बार गूगल पे या जो देखते हो, होते हैं पहलवानी के लिए। आप अगर बॉडी बिल्डिंग के लिए देखते हो कि बॉडी बनाने के लिए, तो वो डाइट प्लान आपके काम के नहीं है, वो बॉडी बिल्डरों के लिए है जो आप बार बार यूज करते हो, और वो बहुत महंगे भी होते हैं, कॉस्टली भी होते हैं, जिनको आप कई बार तो फॉलो ही नहीं कर पाते। लेकिन आप 100% में आपको एक चैलेंज दे सकता हूँ, किसी को भी, आप किसी भी बॉडी बिल्डर को ले आना, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनका काम अलग होता है, और जो फोर्स में लगता है बंदा उसका काम अलग होता है। उसका शरीर इस तरह मेंटेन होना चाहिए कि वो कोई भी रनिंग कर ले, कोई भी हाई जंप, मान लो कोई बॉडी बिल्डिंग का वो 4 फीट जंप कर पाएगा क्या, 5 फीट जंप कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका काम है बॉडी बिल्डिंग का, वो वेट लिफ्टिंग कर पाएगा। तो उनकी जो डाइट प्लान है वो अलग होता है, लेकिन आप क्या करते हो, आप सभी डाइट प्लान को एक ही ले लेते हो और उनको ही फॉलो करते रहते हो, जिसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप फोर्स की तैयारी कर रहे हो, तो जो फौजियों को जो खाना मिलता है, आप देखिए किसी को भी कितना एक्टिव रहते हैं। मेरे से भी कई क्वेश्चन आ गए हैं इस प्रकार के कि आप इतना टाइम कहाँ से निकाल लेते हो, आप ड्यूटी कब करते हो, वीडियो कब बनाते हो, आप कितनी टाइमिंग कहाँ से इतना टाइम निकाल लेते हो। ये मेरे से हर दूसरा बंदा ये क्वेश्चन करता है, जब से मैंने यूट्यूब चैनल पर मेरे वीडियो जो भी देखता है, वो हर एक दूसरा बंदा बोलता है मेरे को कि मतलब आप एक वीडियो एक दिन में 2 से 3 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हो। अब और जो दूसरा चैनल है उस पर भी मैं, जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर भी मैं वीडियो डालता हूँ, और उस पर मैं एक वीडियो और डाल रहा हूँ जिसमें नई नई जितनी भी वैकेंसी आ रही है उनकी अपडेट डेली तौर पे, कि आज कौन सी वैकेंसी आई है, कौन सी वैकेंसी आने वाली है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी एज क्या है, उसके लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो, इस प्रकार की नई नई अपडेट उस पर डालता हूँ। तो अगर आप उससे नहीं जुड़े हो, तो उससे भी जुड़ जाइए, और मैं तो रीजनिंग की क्लास उस पर मैं कंटिन्यू चला रहा हूँ, तो आप वो मैं तो रीजनिंग की तैयारी भी मेरे साथ कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है। तो दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है मेरे से, हर कोई दूसरा बंदा पूछता है कि आपके मतलब इतना टाइम कहाँ से ले आते हो आप। तो पहले मैं आपको मेरी टाइमिंग बताऊँगा, उसके बाद मैं बताऊँगा कि अभी मतलब सबसे खास जो बात होती है आपकी एनर्जी की, आप कितना एक्टिव रहते हो, आपको पता भी नहीं चलता, आपका दिमाग डल हो जाता है, आपको कुछ भी करना अच्छा नहीं लगेगा केवल मोबाइल चलाने के अलावा। तो मोबाइल ही आपके पास है और मोबाइल ही मेरे पास है, तो मतलब आपको भी करना है कुछ। तो मैं बताऊं कि कितना, पहले तो मेरे को इतना टाइम कहाँ मिल जाता है, ड्यूटी करता हूँ या नहीं करता हूँ, ड्यूटी करता हूँ मैं, हर रोज़ ड्यूटी करता हूँ, ड्यूटी तो कोई फौज का मेंबर ऐसा हो ही नहीं सकता, फौजियों की आपको पता है 24 आवर्स ड्यूटी देती है। लेकिन जितना भी मेरा रेस्ट का टाइम है वो मैं एक्टिवनेस में घुमा मतलब निकालता हूँ, जैसे या तो कुछ ना कुछ लिखता रहूँगा, जो वीडियो बनाना उसके बारे में सोचता रहूँगा कि भाई अब मेरे को इसमें वीडियो बनाना है, क्या क्या वीडियो बनाना है, क्या क्या टॉपिक होगा, किस पे बनाऊँ ताकि लोगों को अच्छा लगे या दूसरों के काम में आए, इस प्रकार का वीडियो बनाऊँ जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो या देखे लोग, पहले ये सोचता हूँ, फिर वहाँ से टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ। तो ये काम कब करता हूँ मैं, जब फ्री रहता हूँ तब नोटबुक में लिखता रहता हूँ कि हाँ भाई इस पर वीडियो बनाऊँगा, ये वीडियो बनाऊँगा, ऐसी ऐसी बात बोलूँगा, और ये चीज़ें उनको लोगों को बता। दूसरा कि इतना टाइम कहाँ से मिल जाता है, टाइम सभी के आपके पास में भी मेरे से ज़्यादा टाइम है, बस बात यह कि आपको यूज 24 आवर्स का एक मतलब दिन होता है, उसमें से आप कितने घंटे सोने में और रोने में गुजार देते हो, और मैं कितना घंटा सोता हूँ, कितने काम करता हूँ, वो आप कोई भी फौजी इंसान होगा, आप चाहे घर पर भी देख लेना, वो सोने पर जो बोलते हैं ना लोग, जिन्होंने आपने सुना कि 6 घंटे की नींद एक शरीर के लिए ज़रूरी है, ये कोई पागल इंसान है जिसने बोला, कोई ज़रूरी नहीं है। आप ट्रेनिंग करोगे किसी फोर्स की तो आपको 4-5 घंटे से ऊपर नींद नहीं मिलेगी, तो क्या आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, देख लेना कोई भी बीमार हो जाए तो फिर 6 घंटे के अगर स्वस्थ है तो 4 घंटे सो के भी शरीर स्वस्थ कैसे रह लेता है, क्यों, कोई बीमार नहीं होता। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरे जो सोने का शेड्यूल है वो मेरा 11 या 12 बजे के आसपास सुबह 4 बजे तक का रहता है, मतलब 4 या 5 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं सोता, दिन में मैं कभी नहीं सोता। तो फिर टाइम ही है 24 आवर्स में, आप सोने का मेरा अगर निकाल दिए 19, तो 19 घंटे में से मान लो अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो भी उसके बाद में भी मेरे पास में 11 घंटे बच जाते हैं। 11 घंटे में इंसान कितना कुछ कर सकता है। तो आपके पास में भी अब आप सोने में निकाल देते हो 12 घंटे, रात को 8 बजे सोगे, सुबह 8 बजे तक सोते रहोगे तो फिर सोते रहो। तो मतलब एक्टिवनेस आप में ज़रूरी होनी चाहिए। अब एक्टिव आती कहाँ से, इतनी एक्टिव रहते कैसे हैं, कोई भी फौजी इंसान आप देखना कितने एक्टिव होता है, घर पे भी आता है, कितना काम करता रहता है, खाता पीता रहता है, मज़े से रहता है, और शरीर भी उनका बहुत कम बीमार होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी फोर्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस डाइट को फॉलो ज़रूर करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें।
कि इस डाइट को फॉलो ज़रूर करें आप। आपको करना क्या है, सबसे अगर आप सुस्ती आती है शरीर में या रनिंग करने जब जाते हो तो आपको सुस्ती सा लगता है या आपको मतलब डलनेस बहुत ज़्यादा लगती है किसी भी काम करने, जैसे आप बीम भी मार रहे हो तो आपको एक बार के लिए लगेगा अरे यार क्या करें, या मतलब शरीर एक्टिव कमनेस दिखाता है, एक्टिवनेस बहुत कम दिखाता है आपका शरीर। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, सबसे उसके लिए एक उपाय बता रहा हूँ मैं आपको कि जो अंजीर होती है आपने देखा होगा अंजीर, अंजीर क्या करनी है कि 2 या 3 अंजीर लेना है, रात को गर्म दूध में उनको भिगो देना है और ढक देना है, गर्म दूध में भिगो देना है, और सुबह जब वो आप जब भी रनिंग करने या जब भी फिजिकल एक्सरसाइज करने जाओ उससे पहले उसको पी लेना है और अंजीर को खा लेना है, वो 3 अंजीर और उस दूध को पी लेना है और अंजीर को खा लेना है। आप ज़रूर नहीं आप दूध में भिगो, आप पानी में भी भिगो सकते हो और पानी को पी सकते हो और पानी के साथ में अंजीर को खा सकते हो, दूध ही ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आप ग्राउंड में जाना सुबह, आपको मतलब उसके जैसे आप लिए उसके बाद में जैसे फ्रेश फ्रेश हो गए आप पी वी के, फिर आप 10-15 मिनट बाद में आप एक्सरसाइज शुरू करते हो तो उससे पहले आप पी लीजिए, फिर आप देखिए आपके अंदर कितनी एक्टिवनेस रहेगी, ये मेरी गारंटी है। तो एक बार आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें, अगर आप फिजिकल की तैयारी करें किसी भी फोर्स की तो आप एक बार इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें दोस्तों। उसके बाद में जैसे आप फिजिकल एक्सरसाइज करके आते हो उसके बाद में आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, उसके बाद में आप आते ही रोटी खाने लग गए, चावल खाने लग गए, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, वो आपको फिजिकल मतलब आपको सुस्ती ला देगा, आपको रोटी तो ऐसी चीज़ है जिससे नशा जाएगा, आपको नींद आएगी, तो फिर उससे फ़ायदा क्या, आप फिजिकल करके आओगे सो जाओगे तो फ़ायदा क्या। तो अगर उसके बाद में आपको खाना क्या कि चना या मूँग, ये अंकुरित होने चाहिए, काला मूंग होना चाहिए, अंकुरित होना चाहिए, सोयाबीन के बीज होने चाहिए। अगर आप फिजिकल की तैयारी करो तो इन इस डाइट को ही फॉलो करना पड़ेगा आपको नाश्ते में, आपका नाश्ता इन्हीं चीज़ों में से होना चाहिए फिजिकल एक्सरसाइज के बाद में। दूध ले सकते हो और केला ले सकते हो, फ्रूट कोई भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं केला। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करके देखिए आपकी जो दिनचर्या है कैसे बदल जाएगी। जो दोपहर का खाना आपका जो नॉर्मल आप कुछ भी खा सकते हो, लेकिन शाम का खाना दाल के साथ खा के देखिए आप, शाम की सब्जी बंद करिए और दाल बनाना शुरू करिए, दाल के साथ आप खाना खाइए, आप कम से कम 1 महीना, दाल सस्ती भी होती लेकिन प्रोटीन भी सबसे ज़्यादा होता है, तो आपके शरीर के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल रही, तो आप दाल कंटिन्यू खाइए। आप किसी भी फौज में देख लेना चाहिए, कोई सी फौज हो उसमें शाम का जो खाना होता है दाल चावल रोटी खीर और कुछ एड, लेकिन दाल 100% हर रोज़ रहती है, मतलब महीने के 30 के 30 दिन दाल रहती है। क्यों रहती है फिर, क्योंकि दाल में बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स हैं जो आपको शरीर को चाहिए होते हैं जो आप खाते ही नहीं हो, तो आपको शाम के खाने में दाल को ऐड करनी पर करना है, शाम का दाल पक्की खानी है आप, चाहे कुछ भी हो दाल 101% आपको खानी खानी है, तो दाल खानी है। उसके अलावा आप फ्रूट खा सकते हो, आप अफोर्डेबल करते हो तो करिए, नहीं तो दाल रोटी खाइए, मस्त रहिए, क्योंकि दाल डेली खाने से पिए दाल को अच्छे से अच्छे तो आपके शरीर को ग्रो करेगी अच्छे से, अब जिनका पतला शरीर है उनको बड़ा भी करेगी, शरीर अपने आप आपके शेप में आएगा। इस डाइट को आप जरूर प्लान करिए। अब जिनका शरीर बड़ा है ये मोटा हो रखा उनको वेट कम करना है तो वो क्या करें, उनका जो सबसे बड़ा काम है, पहला काम है उनका ये करना है कि जब भी आप सुबह उठते हो गर्म पानी पीना, आपको गर्म का मतलब ज़्यादा गर्म नहीं लेकिन हल्का गर्म पानी पीना है, फिर ही आपको दिनचर्या शुरू करनी है। आपको मतलब 1 गिलास या 2 गिलास गर्म पानी पीना, या अगर आप नींबू पानी पी सकते हो दिन में तो जब भी आप फिजिकल एक्सरसाइज करो उसके दौरान नींबू पानी पिए, जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो नींबू पानी लेके जाइए, उसमें नींबू डाल दीजिए और उसको पीते रहिए। ग्रीन टी पी सकते हो तो ग्रीन टी तो आप पी सकते हो, उससे वेट कम होता है आपको पता है, वेट कम करने के लिए। और इसके साथ में आपको फैट वाली चीज़ें हैं वो छोड़नी पड़ेगी, जैसे समोसे हो गए, या हो सके तो मतलब दूध भी आप एक लिमिट में लीजिए, ज़्यादा दूध भी ना पिए, तो फैट वाली जो भी चीज़ें हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। समोसा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि फैट वाली किन से बढ़ती है। और शाम का खाना आपको बिल्कुल कम लेना है, नाश्ता बढ़िया से करना है, नाश्ते के टाइम जो मैंने डाइट बताई थी उसमें से आप नाश्ता करिए, रोटी वोटी नहीं खाइए, जो चना मूंग या अंकुरित होते हैं इनको ही खाइए, बाकी रोटी वोटी पे आप ज़्यादा ध्यान न दीजिए, तो आपका देखिए धीरे 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 वेट कैसे कम हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। शाम का खाना थोड़ा सा कम कर दीजिए और आप दाल कम खाइए, जिनका पतला शरीर हो दाल दबा के खाइए, आप दाल कम खाइए, दाल खा सकते हो लेकिन शाम का खाना हल्का कम करना है, ज़्यादा कम भी नहीं करना है, हल्का कम करना है, दोपहर का खाना अच्छे से खाना है। और खाने खाने के बाद में आप सभी को बताने की ज़रूरत है कि थोड़ी देर चलना घूमना फिरना है ताकि वो खाना डाइजेस्ट हो जाए दोस्तों। तो एक बार ज़रूर अपना के देखिए अगर आप किसी फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद आप ज़रूर मेरे को याद करोगे दोस्तों। जय हिंद।